केआरके ने साधा है निशाना किंग खान शाहरुख खान पर। चलिए बताते हैं आखिरकार केआरके ने क्या किया है वार, पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केआरके कहीं ना कहीं अटेंशन के भूखे होए हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दूं कि केआरके जो है वो सभी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और खास करके बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स पर। पहले उनका हो गया है पंगा सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान के साथ, फिर उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनावत को, और अब उन्होंने साधा है निशाना किंग खान शाहरुख खान पर। आपको बता दूं कि किंग खान के बारे में क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान नया चैलेंज नहीं ले रहे हैं, वो कर रहे हैं काम एटली साउथ इंडियन फिल्म मेकर के साथ जिनको हिंदी ऑडियंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 56 इयर्स में शाहरुख खान को एक यंग बॉय का रोल करना है, क्यों नहीं ले रहे हैं शाहरुख खान नए चैलेंजेस, क्यों हमेशा वो करते हैं एक भोले भाले स्वीट यंग लड़के का किरदार। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एक्टर्स को है फोबिया क्योंकि उनको यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करना होता है और यंग दिखना होता है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि शाहरुख खान बहुत ही अच्छे एक्टर है ही और वो 500 करोड़ की फिल्म बना सकते हैं, पर उनको अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो भी फिर कहेंगे कि मैंने बैड रिव्यू किया है उनकी फिल्म का बाकी एक्टर्स के तरह। और उन्होंने इनडायरेक्टली फिर एक बार साधा है निशाना सलमान खान पर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या आएगा फैंस और खास करके किंग खान का पलटवार। क्या लगता है आपको, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।